आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरुण पाठक जी के नेतृत्व में विश्व हिंदू सेना की बैठक की गई, जिसमें कोरोना के वजह से मारे जाने वाले, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में मारे जाने वाले, ट्रेन से कटकर मारे गए मजदूर और हिंदुस्तान की सीमा पर शहीद हो रहे वीर जवानों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और यह फैसला लिया गया कि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद इन सभी ज्ञात अज्ञात मृतकों की मोक्ष के लिए पिंडदान किया जाएगा, जो विश्व हिंदू सेना के बैनर तले किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र के माध्यम से यह मांग की गई है कि हिंदुस्तान के सभी कोरोना योद्धाओं को सेना के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित कर उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को सम्मानजनक मुआवजा और किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके बाद वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रकरण पे मंत परिवार ने माफी मांगकर अपना बड़प्पन दिखाया है, लेकिन विश्व हिंदू सेना सीईओ विशाल सिंह से यह सवाल करती है कि वो कब माफी मांगेंगे। लगातार विवादों में घिरे रहने वाले विशाल सिंह लगातार कभी न कभी कहीं न कहीं मंदिर के परंपराओं का उल्लंघन करते करवाते रहे हैं। इस बार सड़क पर सप्तर्षि आरती घोर निंदनीय विषय है, ऐसे में विश्व हिंदू सेना विशाल सिंह को यह चेतावनी देती है कि यदि विश्वनाथ मंदिर के किसी भी परंपरा का उल्लंघन होता है तो उनको महादेव के कोप का भाजन होना पड़ेगा।